तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, शिक्षण और अधिगम, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। शिक्षण और अधिगम में हमने आपको 5 वीडियो प्रस्तुत कर चुके हैं, और उसी के क्रम में ये हमारा आगे का वीडियो होगा। याद रखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। एक बार आप इसको देखेंगे, आपकी समझ में पूरा आ जाएगा। आप चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि हम जिस तरह से आपको समझाते हैं, उसी तरह से उसको वहीं पर बिंदुवार करके आपको लिखवा भी देते हैं। तो आप चाहें तो इसको समझ लें, और समझ के इसको अपनी कॉपी में नोट्स भी बना लें। तो इससे क्या होगा, बनाने के बाद एक दो बार आप इसको पढ़ लेंगे, पढ़ने के आपके बाद पूरी तरह से माइंड में ये क्लियर हो जाएगा। याद रखना, ये चीज आपको टेट और सुपर टेट में भी पूरी तरह से मदद करेगा। आपको कोई कोचिंग पढ़ने की आगे जरूरत नहीं होगी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, समझिए और आप अपने ज्ञान का वर्धन कीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए ये एग्जाम में बहुत ही ज्यादा रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो चलिए, आगे हम जो बात करेंगे वो है आपका शिक्षण की विशेषताएं, ठीक है ना। शिक्षण की विशेषताओं के पहले थोड़ी सी 1 मिनट की हम बात ये बता दें कि हमने पहले जब शिक्षण और अधिगम के रूप में अपना चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने शिक्षण के बारे में बताया था। हमने कहा था पहले हम शिक्षण को समग्र रूप से अध्ययन करेंगे, फिर अधिगम को करेंगे। तो शिक्षण में हमने जब शुरू किया था, तो उसके बारे में जाना था कि शिक्षण होता क्या है। जब हमने शिक्षण को जान लिया, तो हमने उसके तत्वों के आधार पर 3 प्रकार के विभाजन किए थे, एक तंत्र, लोकतंत्र और हस्तक्षेप रहित शासन, उसको भी हमने सीख लिया। उसके बाद हमने विभिन्न विद्वानों के अनुसार शिक्षण की परिभाषा क्या होती है, उस परिभाषाओं को भी हमने बेहतर ढंग से सीख लिया है, जो रटने की आपको जरूरत नहीं होगी। मात्र एक बार आप वीडियो देखिए, आपको पूरी तरह से वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या कौन से आपके विद्वान हैं और क्या बातें बताई है, वो तक हमने उसमें बता दिया है। आज उसी क्रम में आगे का जो चैप्टर है वो है आपका शिक्षण की विशेषताएं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग की बात करेंगे। कभी कभी ये जो क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर लघु उत्तरी या अति लघु उत्तरी के रूप में यहाँ से प्रश्न उठाकर पूछ लिया जाता है। तो इसको हम लोग समझते हैं बेहतर तरह से। आपको एक बार ये वीडियो देखेंगे, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। यकीन मानिए, ये विशेषताएं रटने वाली होती है। बहुत लोग इसको रट लेते हैं, बाद में भूल जाते हैं। आप इसको एक बार देखेंगे, ये मनोवैज्ञानिक ढंग से हमने इसमें इस तरह से पूरा जाल सेट कर दिया है कि एक बार यदि इसको पकड़ लिए, तो पूरे के पूरे सारे पॉइंट को आप निकाल कर रख देंगे, कहीं से कोई भूलने की जरूरत ही नहीं होगी। तो देरी न करें, अब आइए अपने टॉपिक पर शुरू करते हैं। तो जब हम शिक्षण की विशेषताएं की बात करते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग की बात करते हैं, तो हम इसमें बताएंगे कि इसमें जो होते हैं 2 अंग होते हैं। कितने? 2 अंग होते हैं। किसके? हम बात किसकी कर रहे हैं? शिक्षण की। तो 2 अंग किसके होंगे? शिक्षण के। कौन कौन से वो 2 अंग है? पहला है एक आपका सिखाने वाला। शिक्षण में क्या होता है? एक सिखाने वाला होता है, यानी कि सिखाने वाला कौन है? वो आपका शिक्षक है। कौन है? शिक्षक है। दूसरा आपका जो अंग होता है वो सीखने वाला होता है। कौन होता है? सीखने वाला। और ये सीखने वाला कौन होता है? ये होता है आपका छात्र। तो ये बात क्लियर हो गई, शिक्षण के 2 अंगों में कौन होता है? एक सीखने वाला, एक सिखाने वाला। तो पहला पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, लिखिए, शिक्षण के 2 अंग होते हैं। 2 अंग होते हैं, एक सिखाने वाला तथा दूसरा सीखने वाला होता है, तथा दूसरा सीखने वाला। ये बात क्लियर होगा। तो पहला पॉइंट हमने आपको बता दिया, शिक्षण के कितने अंग है? एक सिखाने वाला, दूसरा सीखने वाला। तो ये बात क्लियर हो गया, तो इसको मिटा देते हैं। अब इसी के आगे फिर चलते हैं। जरा देखिए, अगर हम सीखने वाले की बात करें, छात्र की, यानी कि कौन है? छात्र।
तो इसकी जब बात करते हैं तो याद रखना ये सीखेगा कैसे, यानी कि इसको उस चीज में जब इंटरेस्ट आने लगेगा, रुचि आने लगेगा, तभी तो ये सीखने के लिए अपने आप को मजबूत या प्रेरित करेगा। यानी कि सीखने के लिए इसके अंदर फिर क्या होगी, उत्सुकता जागेगी। क्या करेगी? उत्सुकता जागेगी। तो यानी कि हम इसमें लिख सकते हैं कि उत्सुकता को अब वो अपना क्या करेगा, वो बच्चा अपनी उत्सुकता को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो उत्सुकता को बढ़ाने का काम करेगा, बढ़ाने का काम, ठीक है ना, काम करेगा। तो एक बात ये क्लियर हो गया कि छात्र जो होगा वो सीखने के लिए अब क्या करेगा, अपनी उत्सुकता को बढ़ाने का काम करेगा। तो दूसरा पॉइंट आपका निकल कर आ गया कि शिक्षण, जो शिक्षण होता है वो शिक्षण क्या होता है, आप लिख लीजिए, उत्सुकता को बढ़ाने का कार्य करता है, यानी कि बढ़ाने का कार्य करता है। तो एक बात ये लिख लीजिए, बढ़ाने का कार्य करता है, बढ़ाने का क्या करेगा, कार्य करता है। ये पॉइंट निकल कर आ गया। कहने का मतलब जो सीखने वाला है, सीखने वाला छात्र है, वो कैसे सीखेगा, अपनी उत्सुकता को अब बढ़ाएगा। तो जब अपनी उत्सुकता को बढ़ाएगा तो यानी कि अब वो कार्य ही तो करेगा बढ़ाने के लिए, तो अपनी उत्सुकता को बढ़ाने का कार्य करता है। तो ये एक दूसरा पॉइंट हो गया, जो शिक्षण होता है वो उत्सुकता को बढ़ाने का कार्य करती है। ये बात क्लियर हुआ। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, उत्सुकता को वो कैसे बढ़ाएगा, उत्सुकता को वो कैसे बढ़ाएगा, ये एक क्वेश्चन निकल कर आता है अगर हम पूछें कैसे बढ़ाएगा। तो याद रखना कि अब वो जब उसके अंदर उत्सुकता जागी है तो अब वो कार्य करना शुरू करेगा। हमने कहा क्या था, कार्य करेगा, यानी कि कार्य करने को हम बोलते हैं क्रियाशीलता। यानी कि क्रियाशीलता मतलब अब वो अपने कार्य में शुरू हो जाएगा, यानी कि क्रियाशीलता को बढ़ाएगा। तो लिखेंगे क्रियाशीलता को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो क्रियाशीलता को बढ़ाने का कार्य करेगा, क्रियाशीलता को बढ़ाने का कार्य करता है। ये बात तो यहीं पर फिर लिख लीजिए, शिक्षण यानी कि तीसरा पॉइंट आप डाल के लिख लीजिए, शिक्षण जो होता है वो क्रियाशीलता को बढ़ाने का कार्य करता है। आई थिंक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चौथे पॉइंट पर निकल कर आते हैं, ये बताइए कि ये क्रियाशीलता को कैसे बढ़ाएगा। तो पहली बात है, क्रियाशीलता को बढ़ाने का कार्य कौन किया था, शिक्षण ने किया था। अब ये शिक्षण के जरिए हम क्रियाशीलता को कैसे बढ़ाएंगे, क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। किसकी, दो चीजों की। पहली जो चीज है वो आपका है क्रिया को प्रभावशाली करना। क्रिया को क्या करना, प्रभाव, क्रिया को प्रभावित करना, और एक है उसको क्या करना, व्यवस्थित करना। क्रिया को प्रभावित करना और व्यवस्थित करना, यानी कि जब वो क्रियाशीलता को बढ़ाएगा तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब अपनी क्रिया को प्रभावित करेगा। मान लीजिए वो पहले पढ़ता नहीं था तो क्रियाशीलता उसकी प्रभावित नहीं थी, अब वो पढ़ने के अंदर उसकी उत्सुकता जागी है, अब वो क्रियाशीलता को बढ़ाएगा, जिसके जरिए अपनी पहले वाली क्रियाशीलता जो थी उसको प्रभावित करेगा, यानी कि क्रिया को अब वो प्रभावित करेगा और अपनी सारी व्यवस्थाओं में बदलाव ले आएगा। जो पहले नहीं करता था, पहले किसी और शेड्यूल में बिजी था, लेकिन अब वो शेड्यूल बंद करके अपनी पढ़ाई पर फोकस करेगा, यानी कि अब वो क्या करेगा, व्यवस्थित करेगा। तो ये दोनों काम किसके जरिए करेगा, वो शिक्षण अधिगम के जरिए करेगा। किसके जरिए, शिक्षण अधिगम के जरिए करेगा। याद रखना ये दोनों काम किसके जरिए होगा, शिक्षण अधिगम के द्वारा। एक बात क्लियर हुआ। तो हम ये चौथा पॉइंट यहां पर लिख सकते हैं कि शिक्षण, जो शिक्षण होता है वो कामा देकर क्रिया प्रभावित करता है, क्रिया प्रभावित करता है, और यहीं पर लिख लीजिए और व्यवस्थित करने का, व्यवस्थित करने का कार्य, व्यवस्थित करने का कार्य शिक्षण अधिगम के द्वारा किया जाता है। व्यवस्थित करने का कार्य किसके द्वारा, शिक्षण अधिगम के द्वारा। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, शिक्षण कॉमा देकर क्रिया प्रभावित करता है और व्यवस्थित करने का कार्य करता है, जो कि शिक्षण अधिगम के द्वारा संभव होता है। ये बात हो गई। अब अगर ये बात बताइए
यह सभी चीजें अगर छात्र की हो गई है, यानी कि अब वो छात्र क्या हो गया, सीख लिया है। अब अगर वो सीख लिया तो अब उसका जो पहले का व्यवहार था, रवैया था, अब उसका व्यवहार एकदम बदल जाएगा, यानी कि व्यवहार परिवर्तन हो गया है। इसका मतलब उसके व्यवहार परिवर्तन का काम करती है। तो लिखिए, व्यवहार परिवर्तन का कार्य करती है, क्या करेगी, व्यवहार परिवर्तन का क्या करेगी, कार्य करती है। कौन करती है, शिक्षण। तो पांचवा पॉइंट आप लिख लीजिए कि जो शिक्षण होता है वो व्यवहार परिवर्तन का काम करती है। देखिए, हमने किस तरह से एक चीज पकड़ ली है तो भूलेंगे नहीं, इस तरह से हमने आपको पूरा बताया है। क्या बताएं, दो अंग होते हैं, सीखने वाला छात्र होता है। छात्र किस तरह से सीखेगा, सीखने के लिए जब उसकी रुचि जागी तो उत्सुकता उसकी बढ़ी, उत्सुकता बढ़ाने का काम करा। उत्सुकता कैसे बढ़ेगी, हमने बोला कैसे बढ़ेगी, क्रियाशीलता को बढ़ाने पर बढ़ेगी। तो यानी कि क्रियाशीलता को बढ़ाने का काम करता है। ये क्रियाशीलता किस तरह से बढ़ती है, तो हमने कहा दो रूपों में, क्रिया को प्रभावित और व्यवस्थित करती है। लेकिन ये किसमें, किसके जरिए किया जाता है प्रभावित व्यवस्थित, हमने बोला शिक्षण और अधिगम के द्वारा। तो तीसरा पॉइंट हमारा बन गया, जो शिक्षण होता है वो क्रिया को प्रभावित और व्यवस्थित करने का कार्य शिक्षण अधिगम के द्वारा करती है। अगर ये सारी चीजें हो गई है छात्र में, तो अब उसका ज्ञान वर्धन हो चुका है, ज्ञान पा चुका है, अब उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। तो यह व्यवहार परिवर्तन का काम करेगा। आई थिंक ये चीज पूरी तरह से, पांच पॉइंट आप किस तरह से लिख लिए, आप बताइए, कितना अच्छा लग रहा होगा आपको। ये याद करने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका है, इस तरह से हम आपको पढ़ा दे रहे हैं कि यह कहीं पर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो एक पॉइंट हमने चर्चा कर लिया, अब सिखाने वाले की चर्चा करना है, यानी कि शिक्षक की चर्चा करना है। तो आइए उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। अगर हम सिखाने वाले की चर्चा करें, पहले पॉइंट को हमने दो अंगों में पहले को समझ लिया, सिखाने वाले की चर्चा करते हैं। सिखाने वाला कौन है, शिक्षक है। शिक्षक क्या करता है जरा बताओ, शिक्षक ज्ञान तो प्रदान करता है, तो ज्ञान प्रदान करने का काम करेगा। अगर यह ज्ञान प्रदान कर रहा है, यानी कि शिक्षण का कार्य कर रहा है, यानी कि क्या करता है, यानी कि शिक्षण कार्य करता है, क्या करेगा, शिक्षण कार्य जो होगा वो करता है। तो एक पॉइंट यहां पर बन गया, छठवां पॉइंट आपका बन गया, जो शिक्षण होती है, शिक्षण, शिक्षण क्या करती है, ज्ञान प्रदान करना, यानी कि शिक्षण कार्य करता है। एक बात क्लियर हो गया ना, कि जब हम शिक्षक पर आएंगे तो शिक्षक क्या करता है, ज्ञान प्रदान करता है, ज्ञान प्रदान करना यानी शिक्षण कार्य करवाता है। अब एक बात है, शिक्षण कार्य को वो जो करवाएगा वो किस तरह से करवाएगा, आप लोग बताइए, शिक्षण कार्य को वो किस तरह से करवाएगा। वो ऐसे नहीं कि आपको घोल कर पिला देगा, शिक्षण कार्य को वो अनेक तरह से आपको एक तरह से सहयोगी के रूप में होगा, यानी कि आपका वो मार्गदर्शन करेगा, क्या करेगा, मार्गदर्शन करेगा। तो एक बात समझ लीजिए, जब शिक्षण का कार्य वो करवाएगा तो आपका क्या कर देगा, मार्गदर्शन, मार्गदर्शन करने का कार्य करेगा, करने का क्या करेगा, कार्य करता है। कौन मार्गदर्शन की तरह, जो शिक्षक है वो मार्गदर्शन की तरह आपको बता देगा कि बेटा इस रास्ते पर जाओ, ये सही रास्ता है, वो गलत है। तो मार्गदर्शन का कार्य करता है। तो अगला पॉइंट आपका जो बन गया, जो शिक्षण होता है वो शिक्षण क्या होता है, मार्गदर्शन करने का कार्य करता है। अब बताइए, ये जो शिक्षक है ये मार्गदर्शन किस तरह से करेगा, ये भी तो बात क्लियर होनी चाहिए कि मार्गदर्शन कैसे करेगा। तो बताइए, आपका मार्गदर्शन करेगा कि आपकी कौशल शक्ति को क्या करा देगा, बढ़ा देगा। कौशल मतलब आपके ज्ञान को, तो कौशल शक्ति को बढ़ाएगा आपके, क्या करेगा, अपने ज्ञान से वो कौशल शक्ति को बढ़ाएगा। तो कौशल शक्ति को बढ़ाने का काम करती है, बढ़ाने का काम। तो अगला पॉइंट आपका आठवां हो गया, जो शिक्षण होता है वो शिक्षण क्या होता है, कौशल शक्ति को बढ़ाने का काम करती है। ये भी बात क्लियर हुआ। अब ये कौशल शक्ति जो होती है कैसे बढ़ती है, हमको ये भी बताओ, ये कौशल शक्ति कैसे बढ़ाएगा जो शिक्षक होगा। तो वो कौशल शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करेगा, वो जो छात्र होते हैं उसको या तो बोलकर पढ़ाएगा, भाई बोलेगा तभी तो, बोलना का मतलब वो शब्दों का इस्तेमाल करेगा ना, तो शाब्दिक रूप से, या कभी कभी वो बोलता नहीं है, संकेतों का इशारा करके बोलता, खड़े हो जाओ, ऐसे संकार कर बोलेगा, खड़े हो जाओ,
ऐसे ही ब्लैक बोर्ड पर इशारा करेगा कि इसका मतलब समझाओ। तो वो कभी कभी संकेतों का भी प्रयोग करता, तो कभी कभी शब्दों का, कभी कभी संकेतों का, और कभी कभी तो शिक्षक बोलता है और छात्र लिखते रहते हैं। यानी कि लिखने का मतलब वो क्रिया कर रहे हैं, यानी कि कौन क्रिया कर रहा है, छात्र क्रिया कर रहा है। इसका मतलब क्रियाशीलता को भी काम करवाता है। तो यहाँ पर हमने बोला कि कौशल शक्ति को बढ़ाने के लिए तीन बातें, कौन कौन सी तीन बातें, हमने कहा सांकेतिक मतलब संकेतों का इस्तेमाल करेगा, तो हो गया सांकेतिक रूप से, सांकेतिक रूप से। दूसरा हमने कॉमा देकर लिखेंगे कौन, हमने कहा था कि शाब्दिक ना, तो दूसरा लिखे शब्दों का इस्तेमाल करके, यानी कि शाब्दिक रूप से, शाब्दिक रूप से। और तीसरा हमने बताया था कि क्रियाशीलता को भी बढ़ाने के, तो तीसरा लिखिए क्रियाशीलता, क्रियाशीलता से संबंधित पक्षों के, संबंधित पक्षों के जरिए, पक्षों के जरिए आप लोग लिख लेना। तो नवा पॉइंट जो हमारा निकल कर आया, आप लिख लीजिए कि जो शिक्षण होता है वो शिक्षण सांकेतिक रूप से, शाब्दिक रूप से और क्रियाशीलता के संबंधित पक्षों का क्या करता है, पक्षों के जरिए इसका बढ़ाया जाता है। तो ये बात क्लियर हो गया। अगर इतनी बातें क्लियर हो गई है तो एक सिखाने वाले की हमने बात किया, एक सीखने वाले की बात किया, यहाँ पर पूरी तरह से 9 पॉइंट आपके क्लियर हो गए हैं जो लिखने की आएगी विशेषता में। ठीक, तो ये हमने 2 अंगों से लेकर 9 पॉइंट निकाल लिया। अब एक इसी पर दूसरे आयाम की चर्चा कर लेते हैं कि जो शिक्षण होता है, 10वां पॉइंट पे हम चल रहे हैं, जो शिक्षण होता है अगर आपसे इसका आधार पूछ लिया, इस शिक्षण का क्या, बोले कि बताओ शिक्षण का आधार क्या होता है, आधार का मतलब समझ रहे हो, जैसे एक घर होता है, घर को बनाने के लिए उसका एक आधार यानी नींव होता है, नींव मजबूत करनी होती, वैसे इस शिक्षण का आधार क्या है, तो इस शिक्षण का जो आधार होता है वो मनोवैज्ञानिक होता है। क्या होता है, मनोवैज्ञानिक होता है। तो आप लोग अगला पॉइंट लिखेंगे शिक्षण का आधार मनोवैज्ञानिक होता है, लिखिए यहाँ पर पॉइंट देकर आप लोग लिखते चलिए, शिक्षण का आधार, शिक्षण का आधार मनोवैज्ञानिक होता है, मनोवैज्ञानिक होता है। अब अगर शिक्षण का आधार मनोवैज्ञानिक हो गया तो मनोविज्ञान का मतलब क्या है, यह एक ऐसा विज्ञान है जो आपके संपूर्ण मानसिक और शारीरिक रूप से संपूर्ण मतलब विकास करेगा, उसे ही बोलते हैं मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक मतलब आप दूसरों को देखकर उसके मन के भाव को जान ले कि आखिर उसके मन में क्या क्या बातें हैं, यही संपूर्ण बातें ही आपको सिखाती है मनोविज्ञान के तहत। यानी कि मनोविज्ञान का आधार होता है ये शिक्षण। जब आप खूब पढ़ाई करते हैं, खूब नॉलेज इकट्ठा कर जाते हैं, ज्ञान हो जाता है, तो आप एक तरह से बहुत पूर्ण व्यक्ति बनने की प्रक्रिया में आगे आ जाते हैं और वह मनोवैज्ञानिक रूप आपके अंदर आ जाती है। तो यही है जो शिक्षण का आधार है वो मनोवैज्ञानिक होता है। तो बताइए कि क्या शिक्षण की प्रक्रिया में कला वर्ग के ही बच्चे पढ़ते हैं, विज्ञान वर्ग के नहीं, तो क्या सिर्फ कला को लिया जाए कि विज्ञान को लिया जाए। अगर यह मनोवैज्ञानिक है, संपूर्ण विकास करता है, तो इसमें कला वर्ग के और विज्ञान वर्ग के दोनों बच्चे आएंगे शामिल। तो अगला हम बताएंगे कि इसमें 2 लोग के आते हैं, यानी कि कला और विज्ञान दोनों के रूप में बच्चे आएंगे। तो हम बोलेंगे कि जो शिक्षण होता है वो कला और विज्ञान होता है। 11वां पॉइंट लिखें, शिक्षण क्या होता है, शिक्षण कला और विज्ञान होता है, शिक्षण क्या होता है, कला और विज्ञान होता है। आई थिंक ये भी बात क्लियर हो गया। अगर शिक्षण आपका कला और विज्ञान है तो 2 चीजों की बात किए हैं, तो 2 चीजें और निकल कर आएंगी। क्या कि शिक्षण में आपका एक शिक्षण होता है और एक अधिगम होता है। क्या होता है, शिक्षण अधिगम। जब भी आपकी शिक्षण की बात की जाएगी तो अधिगम को जरूर याद किया जाएगा, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं दोनों लोग, ठीक है ना। तो इसीलिए जो हमारा टॉपिक ही था शिक्षण और अधिगम था, ठीक है ना। तो जब भी शिक्षण का नाम लिया जाएगा अधिगम बेचारा नहीं छूटेगा, उसको भी साथ लेकर चलेगा। ये दोनों एक समझ लीजिए एक पेयर है, जैसे हंस का जोड़ा, ठीक। तो ये शिक्षण और अधिगम लिया रहता है। तो 12वां पॉइंट आपका ये निकल कर आ गया, जो शिक्षण होता है वो किससे संबंधित होता है, तो लिख लीजिए शिक्षण, शिक्षण
शिक्षण कामा देकर फिर लिखेंगे शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होता है। आप लोग लिखें शिक्षण, शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होता है। दो बार नहीं, शिक्षण लिखकर कामा देना है, फिर आपको लिखना है शिक्षण तथा अधिगम से क्या होता है, संबंधित होता है। अगर ये शिक्षण और अधिगम से संबंधित है तो बताइए ये उससे संबंधित समस्त कार्यों को करने में यह सहयोग करेगा। आई थिंक इतनी बातें आपको हमने इसके पॉइंट के तहत, कैरेक्टरिस्टिक के तहत हमने बता दिया। वैसे इतना पॉइंट अगर आपको हमने बताया है तो इतने पॉइंट में आप कोई भी पॉइंट नहीं भूलेंगे। अगर दीर्घ उत्तरी के रूप में भी आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो मेरे ख्याल से इतना पॉइंट सफिशियंट है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने इस एस्पेक्ट की चर्चा हमने पूरी तरह से कर लिया और हमारा शिक्षण की विशेषताएं पूरी तरह से समाप्त हो गई हैं। अभी तक हमने जो आयामों पर चर्चा किया है, हमने शिक्षण के बारे में बताया है, वो क्या होता है, उसकी भूमिका को बताया, चार चार तत्वों के आधार पर हमने बताया है कि कितने प्रकार के होंगे। वो चार तत्व तो हमने आपको बताया था कौन सा, शासन प्रणाली, सामाजिक परिस्थितियां, सामाजिक दर्शन और मूल्यों के आधार पर हम चार प्रकार के बांटते थे। एक था आपका लोकतंत्र, दूसरा था एकतंत्र, तीसरा था हस्तक्षेपी शासन। तो ये सभी चीजों को हमने बताया था कि लोकतंत्र में क्या होता है, दोनों सक्रिय होते हैं, एक तंत्र में क्या बताया था, शिक्षक सक्रिय होता है, और हस्तक्षेप रही शासन में हमने बताया था कि छात्र सक्रिय होता है। जब आप वो वीडियो अलग अलग देखेंगे, आपको वहां से हमने बहुत बेहतर ढंग से सभी वीडियो में बताया है। उसके बाद हमने उसको विभिन्न परिभाषाओं को मनोवैज्ञानिक ढंग से लेखकों के बारे में बताया, इतना गजब से हमने बताया है कि आप एक बार देखेंगे तो सभी विद्वानों के और उनके कथनों को आपको याद हो जाएगा, बेहतर तरह से एक बार देखने से ही याद हो जाएगा कि कितनी अच्छी तरीके से बताया। और आज का जो ये टॉपिक था विशेषताएं, वो भी हमने इतना गजब से बताया आपको कि एक बार यदि आप उसे देख लिए तो उसके सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में ऑटोमेटिक सेट होते हुए चले जाएंगे, आप कहीं से कोई पॉइंट नहीं भूलेंगे, सभी पॉइंट को एकदम दिमाग में आता चला जाएगा और आप लिखते चले जाएंगे। तो बस एक काम और आप करिए, इस वीडियो को देखें, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें ताकि वो भी अपना इसके जरिए अपने ज्ञान को बढ़ाएं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।